महाराष्ट्र में कुछ लोग सिर्फ चर्चाओं में रहने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रहे हैं, जिन्हें देख खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे मुहावरे का सही सही अर्थ समझ आता है। अब देखिए ना, मराठा अस्मिता की राजनीति खेलने वाले राज ठाकरे अपना वर्चस्व बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। विपक्षी गठबंधन में जगह पाने के लिए अपने कट्टर दुश्मन गैर मराठियों के गले पड़ने को तैयार हैं। कांग्रेसी आकाओं को खुश करने के लिए वक्त बेवक्त अनाप शनाप भी बोलते रहते हैं। फिर भी उत्तर भारतीय विरोधी राजनीति के चलते कांग्रेस ने तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि महागठबंधन में राज ठाकरे के लिए कोई जगह नहीं। अपनी पार्टी के 13वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बरसे राज ठाकरे ने एक बार फिर चर्चाओं में आने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर बेबुनियाद सवाल दागे, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर एकदम खामोश रहे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि आला दर्जे के नेताओं से अच्छे रिश्ते होने पर भी कोई भी गठबंधन उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबेडकर और ओबीसी गठबंधन में तो इनकी दाल गलने वाली नहीं, और एनसीपी प्रमुख शरद पवार चाहकर भी राज ठाकरे से दोस्ती नहीं निभा सकते। अब राजनीति का तो पता नहीं, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई पर सवाल दाग कर राज ठाकरे दो चार दिन के लिए पाकिस्तानी मीडिया के हीरो जरूर बन सकते हैं। और यहाँ होगी टाटा फिस्ट।